क्या होगा अगर आप कलहरी मैप खेलो, वो भी पूरे 2 साल के बाद? एक सेकंड, मैं पहले जरा माइक सेटअप कर लेता हूँ। हाँ, अब परफेक्ट है। तो चलो फिर शुरुआत से बताता हूँ। मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों बीआर की रैंक पुश करने के लिए जैसे ही अपना फर्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं, तो उस मैच में हमारा मैच मेकिंग हो जाती है कलहरी मैच में। मैं जितना एक्साइटेड था, मेरा फ्रेंड उतना ही नर्वस था, क्योंकि हमें कलहरी मैप खेले हुए कम से कम 2 2.5 3 साल तो हो ही गए आराम से। तो फिर मैच स्टार्ट होता है और हम थोड़ा सेफ साइड खेलने के लिए हम उतरते हैं फाउंडेशन पर। तो फाउंडेशन पर उतरने के बाद ही मैं जब यहाँ पर लूट कर रहा होता हूँ, तभी मेरे को एक बंदा दिखता है। Come on, kill me, I'm here. और फिर इस घर के अंदर मुझे वो एनिमी मिल जाता है। तो इस एनिमी को किल करने के बाद इसकी पेटी से कुछ लूट करता हूँ, और फिर यहाँ पर आसपास के एरिया में लूट कर कर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को 3 लेवल की M60 मिलती है, और साथ ही हमारे ऊपर एक स्कॉड ने भी रश कर दिया है। चलो मैं इनमें से 1 या 2 किलो उठा पड़ता हूँ या नहीं। ओको गन का यूज करके मैं यहाँ पर तो आ गया, लेकिन 1 सेकेंड मेरे को डैमेज पड़ रहा है। भाई कहाँ से मारा है, दिख ही नहीं रहा ये बंदा। शायद सामने वाले आंगरी वाल के पीछे हेड है। तो वहाँ से उस टीम को वाइप आउट कर कर मैं आ जाता हूँ रिफाइनरी पे, और यहाँ पर 2 से 3 बंदे हैं। तो चलिए देखते हैं मैं उसको मार पाता हूँ या नहीं। 1 सेकेंड में रह के मेरे लोग उस पहले उसको रिवाइव देते हैं। चलो ये तो रिवाइव हो रहा है, चलो हो गया हो गया। वो कॉमन कर यहाँ पर, ये रहा बंदा बंदा और डैमेज नहीं हो रहा। यहाँ 1 सेकेंड सोनिया बन गया, बोल बन नहीं 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 चलो मरी गया। चलो अब यहाँ पर इसकी टीम पूरी वाइप आउट है, तो इसीलिए हम ब्लैक भाई को रिवाइव दे देते हैं। और फिर ऐसे टीम्स को वाइप आउट करते करते हमारा भुइया हो जाता है। और ये मेरा फर्स्ट गेम था, इसके बाद भुइया होने के बाद मेरा कुछ ये रिएक्शन था।